Today topics Lagrange methods of undetermined multipliers एक ये maxima partial differentiation का एक second part है. इससे work क्या करना है, क्या needed होते हैं, what is the required होते हैं. तो एक simple सिस्टम में क्या एक जनरल में बहुत details में तो नहीं जा रहा हूँ, but एक simple organize दे रहा हूँ कि आपको एक relations given होगा और एक function given होगा. उन function और relations में कोई target आपसे पूछा जाएगा, उस target को आपको find करना है. लाइक रिले फंक्शन गिवन हो गया और रिलेशंस गिवन हो गए, मान लीजिए एक प्लेन गिवन हो गया और कोई इक्वेशन सर फंक्शन गिवन है, तो उनसे पूछ देगा उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, जो भी कंडीशंस वो पूछी जाए अकॉर्डिंग टू हम फाइंड आउट करेंगे. तो जनरल रिलेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन होता है, बट अंडर कंडीशंस गिवन होगा और फंक्शन आपको फाइंड आउट करने होंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला. तो ये मेथड्स हैं, इससे मेथड्स के थ्रू हमें वर्क करना है. ठीक है, कोई एक तो वर्क हम करेंगे, बट इज हियर इस मेथड से आपको एक सिंपल सा ड्रॉबैक ये है फ्रेंड्स कि हम इससे जो फंक्शन है उसकी स्टेशनरी वैल्यू मतलब फाइंड कर ले, बट फंक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पॉइंट से मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा या समथिंग, बट अपने टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये ध्यान में रखना है. तो मैं एक जनरल यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स का एक प्रॉब्लम्स मतलब वर्क करने वाले हैं, नॉट मोर देन थ्री. So, उसके थ्रू अकॉर्डिंग वर्क और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा स्टूडेंट, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. और जनरल हमारे जो पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं डेली, मतलब डेली के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आते हैं. तो टेक केयर एंड कम टू द पॉइंट्स. तो फर्स्ट मैं वर्किंग रूल्स जो है उसको डिफाइन करूंगा, आफ्टर देन सम टेकन प्रॉब्लम्स. बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम्स होंगे आते हैं, देखते हैं. कंडीशन कह रहा है कि टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई जेड अंडर द वन कंडीशन इज गिवन. आपको स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी आपसे पूछा जाएगा स्टेप्स से क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो लेट यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी ए गिवन फंक्शन है, ये ऑलरेडी गिवन होगा. वो स्टेटमेंट में कभी गिवन होता है स्क्वायर डायरेक्टली गिवन होगा, आपको फाइंड आउट करने होंगे. नेक्स्ट अंडर द कंडीशन विच इज ऑलवेज गिवन. ठीक है, ये गिवन होता है. व्हाट कंडीशन दिस ऑलवेज गिवन. ठीक, नेक्स्ट तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज अ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट द फंक्शन f इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा फाई. मतलब u मींस फंक्शन, लैम्डा फाई मींस जो भी हमारा होगा दिस, मतलब जो फंक्शन गिवन हुआ मेक वन साइड जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मेक जीरो, देन फाइंड आउट द फंक्शन. क्योंकि phi x y z राइट हैंड साइड तो जीरो. ठीक है, मतलब जो अगर आपको f ऑफ phi फाइंड आउट करना है तो वन साइड किसी भी एक साइड को आपको जीरो करना है, मेक वन साइड इज जीरो. नाउ नेक्स्ट वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट व्हिच इज द कॉल्ड लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आपको लैम्डा ही टारगेट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे हम डिसाइड करेंगे. फॉर स्टेशनरी वैल्यू नाउ पुट दिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ डेल वाई डेल एफ जेड डेल जेड जीरो इज इनिशियल मेथड्स. वी इलिमिनेट एक्स वाई जेड एंड लैम्डा यूजिंग द इक्वेशन 1 2 4. जो भी रिलेशन होगा 1 2 3 4 इनका यूज करके हम एक्स वाई जेड और लैम्डा को इलिमिनेट करेंगे. Then put the value, otherwise find the value of x, y, z in term of lambda or k. K एक another constant है, वो भी हम problem जब create करेंगे तो simple, easy में हो जाएगा. देखते कैसे करेंगे वो in problems. And put the value of x, y, z in given under conditions. X, y, z की value suppose मैंने lambda k आपने find कर लिए है, x is equal to मतलब x in term of lambda या x in term of k. तो एक्स वाई जेड इन गिवन अंडर कंडीशन, जो कंडीशन हमारी गिवन होगी वहां पे हम पुट अप करेंगे. देन पुट एक्स वाई जेड इन गिवन अंडर कंडीशंस एंड सॉल्व एंड देन वी गो टू द रिजल्ट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी फाइंड आउट होगा कॉन्स्टेंट्स में. देन गो टू द रिजल्ट व्हाट वी रिक्वायर्स. ठीक है, मान लीजिए अगर आपने सॉल्व कर लिया ऐसे, इस तरह से आपको मिला हुआ है कि ए वन लैम्डा y is equal to b1 lambda, z equal to c1 lambda. तो अभी क्या होगा, जब आप lambda find out कर लेंगे तो put कर देंगे यहाँ पे here. This is so when find out the lambda, this suppose lambda, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया lambda is equal to alpha find out हो गया. तो lambda is equal to जब when we alpha, तो x equal to क्या होगा, a1 alpha. Here this is a1 alpha,
b1 alpha, c1 alpha. तो x y z find out हो गया, that is stationary value. Next जो हमारा target होगा उसको हमें देखना होगा. तो जो problem में ask करेगा तो first your target है x y z को find out करना using the undetermined alpha lambda is equal to. तो taking the sum problem then your doubt is clear. So now come to the problems. Questions है कि use the Lagrange method to find the minimum distance. Questions use Lagrange method to find minimum distance from origin to the plane x plus 2y plus z equal to 12. Equation separate. Use the Lagrange method to find the minimum distance from origin plane or origin to the plane. This is given. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. मान लीजिए एक फिगर हमारा है, थ्री डायमेंशनल है, तो थ्री डायमेंशनल हम बना सकते हैं y, this is your x, here z, here z, here x, here y. बट ये प्लेन कहाँ पे है कैसे डिसाइड करेंगे आप. मान लीजिए अगर हम कंसिडर कर लें दैट इज योर प्लेन, दिस इज द गिवन प्लेन, मतलब 3x plus 2y plus z equal to 12, that is a given plane. और यहाँ पे यदि हम PXYZ है, be the any points है, तो अब ये पूछ रहा है कि वो जो points है 0, 0, 0, 0, इनके बीच की minimum distance, 3 dimensional है, कैसे find out करेंगे हम minimum distance, not perpendicular distance, that is take care, this is not perpendicular distance, पूछ रहा है, as the minimum distance है, when draw the plane, 3 dimensional है, तो minimum distance क्या होगा? वो फाइंड आउट करना है हियर. तो बहुत ही सिंपल लॉजिक वे है ये क्वेश्चंस जो पूछा गया आपसे कि ओरिजिन से इस प्लेन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है आपको. मतलब मीनिंग क्या है, पहले आपको एक पॉइंट फाइंड करना है PXYZ, मतलब विच पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन और फिर वो ओरिजिन से डिस्टेंस. तो आपका टारगेट हुआ कि प्लेन पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो नियर अबाउट ओरिजिन होगा. ठीक है, फाइंड आउट द पॉइंट्स On the plane near to origin. Simple. तो अब कौन सा point होगा वो कैसे decide करेंगे, वो unknown है. तो इसके लिए हमें consider करना पड़ेगा कि let P, X, Y, Z be any point on the plane. Simple. Let P, X, Y, Z be any point on the plane. ठीक है, तो अब distance between two points फार्मूला ओपी फाइंड आउट कर लीजिए आप. ओपी क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर, दैट इज यर मीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. क्यों, बिकॉज दिस इज एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, देन वी गेट दिस. मतलब यर दिस इज ये x2, x1, x2, y2, z2, x1, y1, z1. This is, ठीक है? तो here OP. But अब देखिए, अगर हम इसको function consider करेंगे, तो that is create the problem. Then suppose this is equation number one. Calculations में work lengthy होगा. तो हम क्या करेंगे? OP square find कर लेंगे. This is two. Or which is consider the function u. This is 3. ठीक है, अब now u find out then when, then we can go to the phi. Phi means जो given under condition, that is under conditions relations है, वो phi find out करना है. तो make one side 0, 3x plus 2y plus z minus 12 equal to 0, that is the phi. 3x plus 2y
plus z minus 12 equal to 0. Sorry, that is the 5. ठीक, अब हमें construct the function, simple. Construct the function. Capital F u plus lambda 5. So this is capital F is equal to u x square y square z square plus lambda 3x plus 2i plus z minus 12. This is equation number 4. ये हो गया. अब जो भी आपका डेल एफ डेल एक्स है डेल एफ डेल वाई है वो ऑल दिस फाइंड आउट. तो अब हियर जो डेल एफ डेल एक्स फाइंड कर लीजिए फर्स्ट डेल एफ डेल एक्स व्हाट वी गेट हियर 2x प्लस 3 लैम्डा. ओके नेक्स्ट डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू 2i plus 2 lambda and del f del z 2z and plus here lambda only any other zero. Okay, that is here. Integration simple differentiation sorry. So ab our work hai for stationary value. तो डेल एफ डेल एक्स जीरो फर्स्ट तो डेल एफ डेल एक्स जीरो 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू जीरो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा बाय 2 डेल एफ डेल वाई जीरो तो 2x सॉरी 2y प्लस 2z 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा and del f del y del z sorry so 2z plus lambda 0 imply that lambda z is equal to minus lambda by 2 that is work. Okay so x is the in term of lambda humne find out kar liya hai ab work hai. मेथड तो बहुत सारे हैं बट उन मेथड्स को हमें टारगेट करना है. तो अब देखिए ये हमारा रिलेशंस गिवन है. कौन सा रिलेशंस ये गिवन है दिस इज द रिलेशंस. कुछ नहीं दिया था ए दे देता हूं मैं क्योंकि मिसिंग हो गया. अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कहां पुट अप कर देनी है इन द गिवन अंडर कंडीशंस. तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. दैट इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है नाउ पुटिंग put the value of x, y, z in given relation. मतलब equation of plane. ठीक इस equation of plane तो जो equation of plane है वहां पे put up करना है आपको सिंपल. तो put up कर दीजिए ये this is the equation of plane. मतलब 3x plus 2y plus z minus 12 equal to 0. Put this all value 3 into minus 3 lambda by 2 plus 2 into minus lambda and plus minus lambda by 2 is equal to 12. सिंप्लीफाई कर दीजिए माइनस 9 लैम्डा बाय 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 12. वर्क सिंप्लीफिकेशंस टेकिंग एलसीएम तो 9 4 13 एंड 15 मतलब माइनस 9 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 on the 14th. So minus 14 lambda upon 2 is equal to 12. Lambda is equal to minus 24 upon 14. So minus 12 by 7. That value is lambda. Now we have to find x, y, z. Simple.
So when you find out the lambda, then you can find out the x, y, z. So from 5, इधर एक लैम्डा से फाइंड आउट हो गया तो यहां पे पुट अप कर दीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए लैम्डा की वैल्यू सिंपल देन यू कैन फाइंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स तो लैम्डा जब देखते पुट कर दीजिए फ्रॉम 5 x is equal to minus 3 by 2 into minus 12 by 7 तो 6 ये 6 हो जाएगा मतलब 18 by 7 ओके दिस इज 18 by x, y, z, so, x 18 by 7, y minus lambda, मतलब 12 by 7, ठीक है, और z is equal to what, minus lambda by 2, मतलब minus 1 by 2 into minus 12 by 7, this is 6 by 7, ठीक है, तो points जो है हमारा, p x, y, z is equal to 18 by 7, 12 by 7, and 6 by 7. That value. Point find out, okay? A minimum distance, the OP hai. This is OP, distance. Under root x square, y square plus z square already is hai. So put kar dijiye. 18 by 7, whole square, 12 by 7, whole square plus 6 by 7 whole square. Now simplify kar dijiye, then we get this 504 under root upon 7. That is your answers. So is tarah se ye method ka use karna hai aur solve karna hai problems. So take cares. Ab dekhiye, yadi hum yahan pe hi work kar dete, that is here maan lijiye lambda find karte aap yahan se ये माइनस लैम्डा अगर हम k का यूज करना है दैट यूज द कांसेप्ट ऑफ k तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा 2x / 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू यहां से मिलेगा माइनस y और फिर z इज इक्वल टू हियर लैम्डा माइनस लैम्डा क्या मिलेगा 2z तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड यूज इक्वल्स है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा मतलब 2x / 3 मतलब y इक्वल टू 2z अब इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है याद रखेंगे दैट इज तो इसके इक्वल टू k पुट अप करेंगे और इन x y z इन टर्म ऑफ k फिर k पुट द वैल्यू ऑफ k इज हियर एंड फाइंड आउट दिस तो मेथड बहुत सारे हैं कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे सो एक अनदर टेकन प्रॉब्लम्स Let's take the problems here, friends. Correct, divide 24 questions, friends. Here. कि divide 24 into 3 parts such that continue products square of the first of the first square of second and cube of third may be maximum तो अब एक 24 को divide करना है आपको 3 parts में use the जो भी methods आपका तो 24 मान लीजिए 3 parts है या x plus y plus z is equal to 24 this is equation number 1 okay no doubts next अब कह रहे हैं जो ये अंडर कंडीशंस है फंक्शन u व्हाट इज द फंक्शन u कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड मींस z क्यूब दिस इज अ गिवन फंक्शन तो x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है आपको दैट इज हियर गिवन तो ये रिलेशंस इज गिवन हो गए अब आपको कंटिन्यू प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेना है तो construct the function f u plus lambda phi. So phi this relations given hai
तो रिलेशन हो जाएगा एफ यू लैम्डा फाइव मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24, दिस इज द फाइव यू पुट कर दीजिए, तो यू मतलब एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ डेल वाई एंड सो ऑन. सो नाउ फाइंड दिस डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, तो दैट इज योर ओनली वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लैम्डा 4 डेल एफ डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू आई टू आई अनदर कॉन्स्टेंट मतलब एक्स तो टू एक्स वाई जेड क्यू प्लस लैम्डा दैट इज जेड क्यू एंड इज योर 1 एंड डेल एफ डेल जेड ठीक है तो 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा दिस इज 5 दिस इज 6 तो फॉर ए स्टेशनरी वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 तो डेल एफ मींस इज हियर पुट इक्वल टू 0 दिस वी गेट 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू सॉरी डेल एफ डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू y square z cube plus lambda equal to 0 y square z cube is equal to minus lambda this is equation number 7 del f del y 0 so this is 2xy z cube is equal to minus lambda 8 and del f del z so this is 3xy square z square minus lambda 9 अब देखिए 7 एंड 9 राइट हैंड साइड इज इक्वल है क्योंकि हमने क्यों किया कि अगर यहां पे x y z फाइंड आउट होता डायरेक्टली तो अब लैम्डा के टर्म में फाइंड आउट कर लेते बट हियर चूंकि लैम्डा ऑलरेडी चूंकि मल्टीपल ऑफ टर्म्स है तो राइट हैंड साइड इक्वल्स है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगे यूजिंग 7 8 एंड 9 तो वी गेट y स्क्वायर z क्यूब 2xyz cube and here 3xy square z square that value is equal to अब क्या करेंगे जो इनकी maximum value है here dividing xy square z cube इससे डिवाइड कर दीजिए जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होंगे उससे डिवाइड्स कर देना है आपको ध्यान में रखिए दैट इज हियर जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स वाई जेड है उससे डिवाइड करना है दैट इज द मेथड ऑल टर्म्स तो जब हियर डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर z क्यूब 1x y स्क्वायर z क्यूब 2xy z क्यूब अपॉन x y स्क्वायर z क्यूब ठीक और हियर 3xy स्क्वायर z स्क्वायर x अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे उन टर्म को हमें कैंसिल करना है और ध्यान में रखना है क्या कैंसिल होगा दैट इज दैट और हियर x कैंसिल z क्यूब कैंसिल 2 अपॉन y मिलेगा हियर कैंसिल तो वी गेट दिस इज 1 बाय x 2 अपॉन y एंड 3 अपॉन z तो मान लीजिए दैट वैल्यू इज k ठीक है दैट इज अ k इन टर्म ऑफ k सॉल्यूशन ऑफ फाइंड करना है हमें तो सो इन टर्म ऑफ k जब वी फाइंड आउट दिस सो x इज इक्वल टू 1 बाय k ठीक है y इज इक्वल टू और 2 बाय k एंड z इज इक्वल टू 3 बाय k हियर सो ऑल दिस वैल्यू पुट इन 1 सो फ्रॉम 1 पुट कर देते हैं देखते हैं 1 by k plus 2 by k plus 3 by k is equal to 24. Take the LCMs. So 24 k 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6 upon k is equal to 24. ठीक है? Otherwise k is equal to 6 upon 24. That is 1 by 4. So k is equal to 1 by 4. So suppose this is equation number 10. So from 10 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4
y is equal to 8, z equal to 12. Find out, okay? So that value, that is the method to find. इस तरह से आपको वर्क करना है इनके सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम तो यूजिंग द के यूजिंग द लैम्डा फाइंड आउट दिस. अगर आपको और प्रॉब्लम्स के लगते हैं कि और प्रॉब्लम्स चाहिए सो टेल मी, आई विल अपलोड मोर वीडियोस दैट टॉपिक्स अगेन. सो वेरी सिंपल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज. टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.